मुद्दे की बात में आज बात कर्नाटक की, बात आज योगी के कर्नाटक कनेक्शन की। आखिरकार किस तरह से योगी कर्नाटक के रण में हुंकार भर रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस का यह कहना है कि यह ध्रुवीकरण की कोशिश है। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में हमारे साथ वेद प्रकाश जुड़े हैं जो कि संघ विचारक हैं, साथ साथ विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रवक्ता हैं, अबाज अली जैदी साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, एके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, संदीप द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा कर्नाटक कनेक्शन का हम जिक्र करें, एके मिश्रा साहब, योगी साहब का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कुछ आंकड़े सामने हैं। कई शिकार जो बोलते हैं और थोड़ा रणनीतिक शिकार, स्ट्रेटजिक वे में शिकार, ये सीधे सीधे देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूं, सारी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी, चाहे इसको कोई अभी तक किसी ने बताया या ना बताया। बीजेपी की जब सरकार कर्नाटक में बनी थी तो येदियुरप्पा जी ने पदयात्रा की थी, काफी दूर तक कई जिलों को उन्होंने कवर किया था और उस मुहिम के कारण बीजेपी वहां पे आई थी। उसके बाद बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे, बहुत जबरदस्त तरीके से एक उनके खिलाफ मुहिम छिड़ी जो है वहां पे, बाद में वो बीजेपी से अलग भी हो गए। वहां पे किसी लोकल कैरिज्मेटिक लीडर का जो है बीजेपी के लिए अभाव था, इस गैप को कैसे पूरा करें। सबसे अच्छा उनको एक आदमी जो मिला वो मिला योगी आदित्यनाथ जी यूपी से, जो तीन चार उद्देश्यों को बीजेपी को पूरा कर देते हैं। देखिए येदियुरप्पा जी का जो गैप है उस चीज को फिलअप कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। येदियुरप्पा जी जितनी बार कैंपेनिंग करने जाते विपक्षी पार्टी चिल्लाते कि भाई इनके ऊपर तो ये आरोप है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क उनके साथ चलता जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ नहीं है। दूसरी चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ किसी विशेष ग्रुप के लिए, किसी धर्म के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में चेहरा है। चेहरा होने का मतलब बहुत सारे जो है डिफरेंट मठ है वहां पे, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, इन सारे संप्रदायों के मतभेदों को दूर करते हुए सारे संप्रदाय के लोगों को एक जगह पे लाना, जिसको कि आप ध्रुवीकरण बोल रहे हैं, पोलराइजेशन बोल रहे हैं, वो अगर कोई कर सकता है तो या तो पीएम कर सकते हैं या आप जो है योगी जी कर सकते हैं बीजेपी में। एक और रीजन है, इंडिविजुअल होलसम पॉलिटिकल ऑफरिंग अगर आप देखिए, इंडिविजुअल पॉलिटिकल पर्सनालिटी का अगर आप कंपैरिजन करिए तो योगी जी की इंडिविजुअल पॉलिटिकल पर्सनालिटी और यूएसपी भी बहुत अच्छी है। जैसे देखिए धारा प्रवाह वो बोलते हैं, उनको ज्ञान धर्म का या किसी और चीज का बहुत अच्छा है, उनकी भाषण शैली अच्छी है, कॉन्फिडेंट जो है उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज है। एक मिश्रा साहब, राजनीति में धर्म कितना जरूरी है और कर्नाटक में क्यों? नहीं देखिए, अगर हम संविधान के हिसाब से देखें और सारी चीजें देखें तो धर्म की बात तो नहीं होनी चाहिए जो अपने यहाँ का सिस्टम है अभी तक। लेकिन देखिए क्या है, कुछ मजबूरियां हैं या राजनेताओं की, सारी पार्टियों की हठ धर्मिता है। इसके पहले भी धुआंधार फतवे जारी होते रहे हैं, जब भी यूपी का इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, तो देखिए जो हथकंडे जिसके हाथ में आते रहे हैं सबने यूज किया है, ये हमारी और हमारे देश और जनता का ये दुर्भाग्य है। रही बात आज की डेट में, मुझे ये आज नहीं पहले भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा जैकपॉट रहा है पॉलिटिशियंस के लिए कि हर इलेक्शन के पहले जो है बड़े बड़े धर्माचार्यों की शरणों में जाना, विभिन्न धर्मों के जो है गुरु हैं, जो महंत हैं, उनके शरणों में जाना, क्योंकि उनके पास वोट को इन्फ्लुएंस करने का जो उनके समर्थक होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। हरियाणा में देखिए आप राम रहीम के साथ ऐसा हुआ था। तो मैं तो ये बोलता हूं कि भाई अगर धर्म है और इसको ठीक है कानून के हिसाब से ये गलत है, यूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, तो मैं तो सीधे सीधे ये बोलूंगा कि जब सभी यूज कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर कीचड़ क्यों उठा रहे हैं। आप भी करिए अपने धर्म के लिए, आप भी करिए, आप भी करिए, बसरते वो हिंसक ना हो, हेटेड वे में वो नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं है। देखिए ये सब पोलराइजेशन के, वोटर्स को जो है मोबिलाइज करने के लिए, शिफ्टिंग वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए वो पचासों तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है। एक बहुत अच्छा डिबेट, मतलब एक टॉपिक चल रहा था कि भाई अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए, योगी जी क्यों गए। मैं बिना किसी मतलब लब्बो लुआब के मैं मतलब ये बोलना चाहता हूं बिना किसी फेवर में, देखिए है क्या, आप केवल एक निष्पॉलिटिशियन बन के रह गए, जैसे अखिलेश यादव हुए या कोई और हुए,
मतलब आप यूपी तक सीमित रह गए, आपने अपनी ब्रांडिंग, अपनी एक्सेप्टेंस यूपी के बाहर किया नहीं। योगी जी का जो है वो ये है कि उन्होंने जो भी काम किया पिछले 5 साल 10 साल में, सही था गलत था मैं इस पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस बियॉन्ड यूपी बनाया है, ये उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है। मैं बोलता हूं आप भी आप लंदन में जाकर के कर, अगर आपकी एक्सेप्टेंस लंदन में है तो लंदन भी आपको बुलाएगा, आप वहां जाके कैंपेन करिए, कहीं पर भी जाइए, तो ये फर्क है सर। ठीक है, यहाँ पे बड़े प्रश्न ये, मैं अभी अपने राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय को सुन रहा था, जिस तरीके से उन्होंने योगी जी को प्रस्तुत किया है आज के डिबेट में, उसमें काफी कुछ ठीक है, हम उनकी बातों से अपने आप को भी संबद्ध करते हैं। फाइनल कमेंट संदीप द्विवेदी, योगी कितना ज्यादा जरूरी, और 2019 से पहले आपको लगता है कि कर्नाटक में अगर फेल हुए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं? योगी जी ने अपने आप को एक साल में साबित किया है, आज विकास के आइकॉन के तौर पर योगी जी उभरे और पब्लिक ने इसको स्वीकार किया है। विकास बताते नहीं ना, विकास का आइकॉन बना दिया, धर्म का आइकॉन नहीं बोला। एक साल में क्या विकास हो सकता है सर किसी स्टेट में? कौन सा बहुत बड़ा हाईवे बन गया? अपराधियों को लेकर तो विकास किया है। हाँ, ये विकास होता है। धर्मवाद को लेकर तो उन्होंने कहीं ना कहीं, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है, विकास दूसरी चीज है। प्रदेश में कितने एनकाउंटर करते वही बता देते वहां पर, अगर ये विकास है तो बताना चाहिए था उनको, हमने प्रदेश में कितने एनकाउंटर कर दिए। जनता के पास ऑलरेडी जनता को पता है और इसीलिए जनता ने उनको बुलाया है, इसीलिए जनता उनको बार बार पसंद कर रही है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही थी तो वहाँ पर भी लगाते साथ, देखिए हमने कितने एनकाउंटर करे, वो बताते ना आप विकास वहाँ पे भी, अगर इन्वेस्टर आए तो इसलिए आए क्योंकि भागे।